हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस में। ये क्लास द हिंदू एनालिसिस की है। आज है 6 मई, वेडनेसडे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट केस, देख सकते हैं 3875 3875 न्यू केसेस मिले, जिसमें से 194 वन डे में, एक दिन का डेटा ये। आप देख सकते हैं जो ये ट्यूसडे है, जो कल ट्यूसडे था, तो 2875 मिले, 71, और जो मंडे था वो 3875 मिले केस एक दिन में। काफ़ी ज़्यादा नंबर केस था, जिसमें बढ़कर हम लोग का 46711 केसेस हो चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें 31976 एक्टिव केसेस हैं और बाकी लोग ठीक हो चुके हैं या फिर जो डेथ हो चुके हैं। जो एयर इंडिया, उसने बताया कि वो चार्ज करेगा अपना फेयर जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रन करेगा या फिर जो भी फॉरेन से लोग लौट के आएंगे अपने देश। देख सकते हैं उसने बताया कि वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, इन सब के लिए 1 लाख रुपीज़, लंदन के लिए 50,000, फिर दुबई 15,000। यही कुछ डेटा बताया गया है कि वो चार्ज करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया था, बट अभी क्या हुआ, जब लेबर्स को लाने की बात हुई तो इंडियन रेलवे ने बोल दिया कि हम अपनी पेमेंट लेंगे, फीस लेंगे, जो भी किराया वो लेंगे। तो बहुत बवाल हुआ, तो क्योंकि जो अमीर है वो तो फ्लाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो गरीब है उनको पेमेंट देना पड़ रहा है। तो इसलिए एयर इंडिया ने भी बोल दिया कि हम भी पेमेंट लेंगे। टोटल ऑफ 64 फ्लाइट्स रन किए जा रहे हैं, देख सकते हैं। इंडिया नीड्स अ बिग सिमुलेशन पैकेज। जो अभिजीत बनर्जी है, हम लोग के नोबल विजेता, जो 2019 के नोबल विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, उन्होंने राहुल गांधी को सजेस्ट किया कि इंडिया को एक बहुत अच्छा पैकेज का ज़रूरत है, सिमुलेटिंग पैकेज, ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमिक सुधार सकें। 70% मार्कअप फॉल्स टू डैम्ड दलितन स्पिरिट। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, लिक्विड शॉप लिक्विड्स पे 70% का टैक्स लगा दिया, फिर भी जो सेल है उसमें कमी नहीं हुई, सेल बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें थी, देख सकते हैं। तो यही बताया गया है कि कुछ भी फेल हुई गवर्नमेंट, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बंद करा दिया था कुछ देर के लिए। 24 पेशेंट्स इन आर्मी हॉस्पिटल टेस्ट पॉजिटिव। 24 पेशेंट जो आर्मी हॉस्पिटल में थे, उनकी COVID-19 पॉजिटिव आ चुके हैं। काफ़ी बुरी बात है, तो हमारे आर्मी तक भी ये पहुंच चुका है COVID-19। सेंटर स्टेप्स इन आफ्टर गुजरात रिकॉर्ड्स 49 वायरस डे डेथ इन अ डे। जो 49 डेथ्स हो चुकी हैं एक दिन में, वायरस में काफ़ी बड़ा नंबर है। दिल्ली डिग अप डर्ट ट्रैकर इन झज्जर। क्या हुआ, जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो रोड्स हैं उसको डिग कर दिया गया, ताकि कोई भी इंटर स्टेट लोग इधर उधर ट्रांसमिट ना पहुँच सकें, इधर उधर ट्रैवल ना कर सकें। कॉन्स्टेबल फाउंड डेथ इन कार, हस्बैंड ऑन रन। एक कॉन्स्टेबल वुमेन की डेथ हो गई कार में, और हस्बैंड सस्पेक्ट है और वो भाग चुका है। विक्टिम का हस्बैंड जो है रन कर गया, तो उसके ऊपर सस्पेक्ट है कि हो सकता है उसने किल कर दिया हो अपनी वाइफ का। COVID-19 केस मार्क्स 5,000। दिल्ली में 5,000 क्रॉस हो चुका है। टोटल देख सकते हैं 5,104 केसेस हो चुके हैं दिल्ली में, इसमें 64 डेथ बताया गया है और 206 पेशेंट 24 आवर्स में बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि एक भी डेथ 24 आवर्स में नहीं हुआ है। पेट्रोल प्राइस जो है हम लोग का 1.7 पर लीटर एंड डीजल 7.1 पर लीटर बढ़ा दिया गया है, वेट इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट ने बताया। ये सब जैसे लिक्विड्स हो गए हैं, हमारे जो शराब ये सब की दुकानें हैं, तो उस पे पेट्रोल्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आ सके। गवर्नमेंट अभी काफ़ी शॉर्टफॉल में है,
शास्त्री भवन पार्टिकुलरली सील्ड, शास्त्री भवन में कोविड का केस आ चुका है, उसके जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर है, तो फोर्थ फ्लोर पे जो है कोविड-19 का केस आया, तो पूरे फोर्थ फ्लोर को सील कर दिया गया है, जहाँ पे लॉ मिनिस्टर का ऑफिस है वहीं पे। डॉक्टर हराज्ड बाय हिज द्वारका हाउसिंग सोसाइटी, ये डॉक्टर मनी शंकर या माधव है, इनके और इनकी फैमिली को काफ़ी हराश किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, देख सकते हैं इनकी जो 16 मार्च से 31 मार्च तक ये कोविड-19 पे ड्यूटी पे थे, तो इनको काफ़ी हराश किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी से। ड्राइवर्स डैमेज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो ड्राइवर है वो देख सकते हैं 3:30 AM मतलब मंडे जो 3:30 सुबह में उसने क्या किया, इतनी स्पीड में आया था, उसका ड्रंक था, तो उसने जाके जो कुतुब मीनार की वॉल है उस पर क्रैश कर दिया अपनी कार को, और वहीं पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज है। बीजेपी लीडर क्विट पार्टी इन लद्दाख, बीजेपी के लीडर पार्टी लद्दाख में क्विट कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही है लद्दाख में, देख सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्होंने क्विट कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड टू लीव कोविड सेस ऑन लिक्विड, जो हरियाणा गवर्नमेंट का सेस लगा था कि 5% पर क्वांट इन केस ऑफ कंट्री लिक्विड, मतलब पर क्वार्टर, 20% पर क्वार्टर इन केस ऑफ इंडियन मेड फॉरेन, सब पे जो भी ये टैक्स लगाया गया था, जैसे 50 रुपीज़, 2, 5, तो इन सब पे टैक्स हटा दिया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बताया कि अब हम टैक्स नहीं लेंगे और ये वेडनेसडे से लागू हो जाएगा। लार्ज इंडस्ट्रीज MSMEs स्टार्ट वर्क इन राजस्थान, जो राजस्थान में है, तो अब काफ़ी हद तक इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, जो स्मॉल और मीडियम है एंटरप्राइजेस उनको स्टार्ट कर दिया गया है, सीमेंट फैक्ट्रीज अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है। रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर इंक्रीज फियर ऑफ कॉन्टेजियन, जो माइग्रेंट वर्कर है रिटर्न आ रहे हैं अपने अपने घर, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलने का चांसेस है, क्योंकि वो अब दूसरे स्टेट में थे, तो वहाँ पे उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया नहीं पाया गया, तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है, तो उनको क्वारंटाइन करके रखा गया है, बट क्या है कि एक दूसरे से ना फैल जाए क्वारंटाइन हाउस में, तो इस चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट थोड़ा सोच रही है कि उनको अच्छे से रखा जाए। 20 माइग्रेंट्स स्किप क्वारंटाइन, निगेटिंग बिहार CM's क्लेम दे कंप्लेन द लैक ऑफ फैसिलिटीज़, जो 20 माइग्रेंट्स थे वो क्वारंटाइन स्किप छोड़ दिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो जो फैसिलिटीज़ बोली गई वो वहाँ पे उन्हें नहीं मिल रही, जैसे उन्होंने बताया कि उनको ड्रिंकिंग वाटर सही से नहीं मिल रहा, जैसे ये देख सकते हैं। बाथरूम, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की कि ये क्वालिटी अच्छी हो, बट उन्हें ऐसा नहीं मिला, तो इस वजह से वो वहाँ से छोड़ कर निकल गए। पुलिसमैन हेल्ड फॉर पोस्ट अगेंस्ट CM आदित्यनाथ, पुलिसमैन को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने एक अगेंस्ट में CM आदित्यनाथ के अगेंस्ट में कुछ पोस्ट किया। वायरस किल्स 5 इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, देख सकते हैं केसेस, जो हमारा आंध्र प्रदेश का केसेस हो चुका है 1094, जिसमें 589 एक्टिव केसेस हैं, और जिसमें डेथ हो चुकी है 34 की, देख सकते हैं सारे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिव केसेस तमिलनाडु में, और डेथ्स जो हैं सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, तो कोविड-19 काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है, तो और फिर अब गवर्नमेंट के पास पैसों की, टैक्स की कमी हो चुकी है, तो इसलिए गवर्नमेंट को धीरे धीरे खोलना पड़ रहा है, बट आप और हम मिलके इसको ठीक कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश योर हैंड्स एंड मास्क, ये तीन तो हमेशा बहुत ज़रूरी है अगर आप कोविड-19 से बचना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेन्स जो है
वो जो तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश के कुछ सिटीज़ से महाराष्ट्र और बिहार के लिए निकली, वो बताया गया कि 200 पैसेंजर्स को कैरी करेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाइक लिक्विड प्राइस बाय अनदर 50%। पहले आंध्र प्रदेश ने बोला था कि हम 25% हाइक करेंगे, ठीक है, अब उसने एडिशनल में 50% और ऐड कर दिया गया। 50% दिल्ली का जैसे मॉडल है कि 70% दिल्ली ने बढ़ाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए उसने 50% और बढ़ा के उसका टोटल हो गया 75%। अब जो 100 रुपीज़ की होगी लिक्विड वो मिलेगी 175 में वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, वही दिल्ली में मिलेगी 170 की। और वहाँ पे बताया गया कि जो 11 बजे से 8 बजे तक के आउटलेट्स खुले रहेंगे, देख सकते हैं ये एडिटोरियल हो गया। महबूबाज डिटेंशन में भी एक्सटेंडेड, जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको डिटेन कर लिया गया था 5 मई को लास्ट ईयर, उनको अब तक डिटेन करके रखा गया है। वही उमर अब्दुल्ला उनकी डिटेंशन खोल दी गई है 6 फरवरी को, देख सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती की डिटेंशन अभी रखी गई है, उनको अपने रेसिडेंस में शिफ्ट तो कर दिया गया बट वहाँ पे उनको हाउस डिटेन करके रखा गया। एमपी कॉट बिटवीन पेंडेमिक एंड पेनरी, जो मध्य प्रदेश है वो पेंडेमिक और पैसे की कमी, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह और पेनरी मतलब जो पैसों की कमी, उसके बीच में फंसा हुआ है क्योंकि उसके पास पैसे कम है और पेंडेमिक से वो अच्छे लड़ नहीं पा रहा है। तो वही बताया गया कि लिक्विड शॉप्स विल रिमेन शटर्ड काफ़ी सारे सिटीज़ में, जैसे 3 जो रेड जोन्स हैं भोपाल इंदौर एंड उज्जैन, वहाँ पे लिक्विड शॉप्स भी बंद है, तो वैट कलेक्शन नहीं हो रहा है। फॉलिंग फ्यूल वैट्स, क्योंकि व्हीकल ज़्यादा चल नहीं रहे तो फ्यूल वैट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ चुका है। तो रिलीफ फ्रॉम जो RBI मिल रहा है उसको, जो 1600 करोड़ का मिला, तो वो अब उसको राइज करने का सोच रहा है 2560, मतलब 2560 करोड़ तक वो अपलिफ्ट करने का सोच रहा है। 7 मोर डेथ्स, 85 न्यू इन्फेक्शन इन बंगाल, बंगाल में 7 मोर डेथ हो चुकी हैं और 85 न्यू केसेस आ चुके हैं वनडे में, तो टोटल अब बढ़ के हो चुके हैं 1344। राजस्थान में 38 न्यू केसेस एंड 5 डेथ्स, टोटल केसेस 3099। 11 मोर डेथ्स रिपोर्ट इन MP, मध्य प्रदेश में 11 और रिपोर्ट किया गया, और UP में डेथ हो चुकी है 56, डेथ्स टोल जंप्स टू 56 इन UP। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो एज अ कूरियर पार्टनर बन के एक गर्ल की लाइफ सेव की है। क्या हुआ कि उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, वो जो है सफ़र कर रही थी मैपलेस सिरप यूरिन डिसऑर्डर, तो बेंगलोर में, तो उसको क्या हुआ दवाई की काफ़ी शॉर्टेज हो गई, उसकी दवाई नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने उसकी दवाई तमिलनाडु और कर्नाटका से अरेंज करवा के उसे प्रोवाइड कराई। महाराष्ट्र में जो केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं 15,526, इसमें डेथ्स 617 हो चुकी हैं और 34 न्यू केसेस एक दिन में रिपोर्ट की गई है, देख सकते हैं। ओवर 6 लाख माइग्रेंट्स बैक, आदित्यनाथ ने बताया, जो योगी जी हमारे यूपी के सीएम, उन्होंने बताया कि 6 लाख माइग्रेंट्स यूपी वापस आए हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो 70,000 माइग्रेंट्स हैं रिटर्न ऑन 67 ट्रेन्स, जो 70,000 माइग्रेंट्स हैं वो 67 ट्रेन्स के थ्रू रिटर्न आएंगे, जो हमारे इंडियन रेल के थ्रू चलाया जा रहा है, इसमें अभी 21 मोर ट्रेन्स और चलनी हैं। ठीक है, यूनियन राइट टू PM टू सीक हेल्प फॉर वर्कर्स, यूनियन ने PM को राइट किया जो वर्कर है उनकी हेल्प के लिए, जो FCA का स्टॉक है वो लेबरर्स को खिलाया जाए। स्टेट रेलवे फाइनल जज ऑन टिकट फेयर, जो टिकट फेयर का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसमें कोई भी
वो नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो रेलवे अगर बोल रहा है टिकट उसे चाहिए, फेयर चाहिए, तो आप दीजिए। एनसीईआरटी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ टर्मिनेटेड, एनसीईआरटी ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे स्टाफ्स उनको टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि लेबर मिनिस्टर एडवाइजरी के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब्स कट नहीं होनी चाहिए, फिर भी उन्होंने कट कर दिया। शिप्स ऑन वे टू शिप्स ऑन वे टू मालदीव, जो INS जलेश्वा एंड INS मगर, ये देख सकते हैं, तो ये इन्होंने ये निकल चुकी हैं ताकि अपने इंडियन पैसेंजर्स को दोबारा वापस ला सके इंडिया में, टू मालदीव्स वापस ला सके। देख सकते हैं 1000 पीपल आर प्लान टू बी इवैक्यूएटेड। दिल्ली टीन डिटेन इन इंस्टाग्राम चैट केस, ये कल का केस है। मतलब क्या हुआ था कि एक ग्रुप है 10 लड़कों का, तो काफ़ी अश्लीलता हरकत बात करते, रेप की बात कर रहे थे, तो उनको पकड़ लिया गया। 15 ईयर ओल्ड था, जिसमें उनको जब उसको ज़बरदस्ती रखा गया था उसमें, तो उसको छोड़ दिया गया। देखिए, एब्यूजिव टेक्स्ट एंड पिक्चर्स कैन बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम, ठीक है। थ्री वुमेन्स इन बिहार ब्रांडेड एज विच, मुजफ्फरपुर की बात है कि 3 महिलाओं को डायन घोषित कर दिया गया कि वो डायन है। तो अभी भी ऐसी अफवाह फैली फैलाई जाती है गांव में, बिहार में ज़्यादातर बहुत होता है ये सब, बिहार वेस्ट बंगाल ये सब में। अर्णब गोस्वामी जो हैं, जो रिपब्लिक टीवी के हमारे एडिटर हैं, उनके ऊपर पुलिस ने FIR किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने बोला कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इसको हटाया जाए मेरे ऊपर से। नीट का एग्ज़ाम जो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मेडिकल होता है, तो उसका जुलाई 26 को कहा गया, और JEE मेंस का एग्ज़ाम है वो जुलाई 18 को होगा। मिनिस्ट्रेस के द्वारा बताया गया, जो सॉल्ट की कमी, उड़ीसा में सॉल्ट की कमी की वजह से, जैसे सॉल्ट जो सुखाने में काम आता है, हम लोग का फिशेस को प्रिजर्व करने में काम आता है, तो उसकी रेट्स हाई होने की वजह से जो फैमिलीज़ हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, वो प्रिजर्व नहीं कर सकती हैं, तो वो बस उतना ही कर रही हैं जितना खुद के कंजम्पशन के लिए कर सकें। फैमिलीज आर नाउ ड्राइंग फिश ओनली फॉर देयर ओन नीड्स ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ सॉल्ट। ये कुछ गाड़ियां बताए, डिस्क्रिप्शन दिया हो गया है कि मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट BS4 कार्स। ट्रम्प्स का जो क्लेम था, ट्रम्प्स के लैब का क्लेम था कि चाइना सस्पेक्ट है, चाइना ने COVID-19 को फैलाया है, तो WHO बिल्कुल उसको नकार दिया, बोला कि ऐसा कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला जो हम चाइना को सस्पेक्ट बोल सकें। हांगकांग में लाइफ जो रेस्ट्रिक्ट थी, अब उसको स्टार्ट किया जा सकता है, कुछ कंडीशन सोशल डिस्टेंसिंग करके, जैसे स्टार्ट किया जा सकता है स्कूल्स, सिनेमाज, बार्स एंड ब्यूटी पार्लर्स। जो चाइना ने फैलाया, तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे सबूत नहीं है, तो इस वजह से WHO ने मना कर दिया। जो पेफिजर बायोटेक है, वो वैक्सीनेशन का स्टार्ट कर चुका है ट्रायल, और उसने बताया कि इस ईयर के एंड तक हम वैक्सीन प्रोवाइड करवा देंगे। यूके नाउ एज यूरोप्स हाईएस्ट टोल, यूके में सबसे ज़्यादा मर रहे हैं, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि इंग्लैंड में देख सकते हैं आप 7000 इंग्लैंड के अंदर ही मरे हैं, और टोटल यूके में 32,313 केसेस हैं जो मर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा है। पुतिन ऑनर्ड किम्स विद वॉर मेडल, पुतिन ने जो किम जोन हमारे साउथ कोरिया के लीडर, उनको वॉर मेडल से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस 75th एनिवर्सरी जो है विक्ट्री ऑफ नाजी जर्मनी, जो हमारा कोरिया जीता था नाजी जर्मनी पे, तो उसके 75th एनिवर्सरी पे, जो रशिया जीता था हमारा नाजी जर्मनी से, 75th एनिवर्सरी पे उन्होंने बताया कि उसको वॉर मेडल दिया गया है, क्योंकि वो जो सोल्जर्स की मेमोरीज को काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हो गया है अभी भी नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में। चाइनाज लॉन्च न्यू रॉकेट टू एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट, चाइना जिसने पूरी दुनिया को महामारी से ग्रसित कर रखा है, COVID-19 फैला रखा है, वो अपना स्पेस रिसर्च में लग चुका है अच्छे तगड़े तरीके से,
वो अपने कल एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो बताया गया है कि ये हेल्प करेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन जो चाइना का है वहाँ तक ले जाने में, जो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं ये यही कल लॉन्च की पिक्चर्स हैं, लॉन्ग मार्च 5B जो नेम है हम लोग इसका स्पेस क्राफ्ट का, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम द वेन स्पेस सेंटर इन हाइनन ऑन ट्यूसडे। एमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट न्यू करेंसी। हाई इन्फ्लेशन की वजह से ईरान अब न्यू करेंसी स्टार्ट कर रहा है जो तोमन नाम से होगी, जो ईच तोमन होगा वो 10,000 रियाल्स के लगभग होगा। थ्री इंडियन फोटोग्राफर्स विंस पुलित्जर प्राइज़। तो याद रखिएगा जो पुलित्जर प्राइज़ होता है वो किस लिए मिलता है, तो फोटोग्राफी के लिए मिलता है, तो थ्री इंडियन फोटोग्राफर ने ये जीता प्राइज़। देख सकते हैं न्यू इंडियन द न्यूयॉर्क टाइम्स पिक्ड अप द मोस्ट अवार्डेड एज द 2020 पुलित्जर प्राइज़ विनिंग वर अनाउंस्ड वर्चुअली ऑन मंडे। ये पिक्चर देख सकते हैं कश्मीरी गर्ल की है, तो इसके लिए प्राइस मिला गया मिला उन लोग को। रिजम्पशन ऑफ ट्रेवल विल टेक टाइम। जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिस ने, उन्होंने बताया कि रिजम्पशन ऑफ ट्रेवल तो ट्रेवल स्टार्ट करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है फुल ट्रेवलिंग में। बैंकिंग स्टॉक्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गिर गई हैं, COVID-19 देख सकते हैं ऊपर नीचे काफ़ी डाउन चल रहा है, सबकी डाउन चल रहा है, सबका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे भेल ने फॉरेन फॉर्म्स को बोला है कि जो हमारे आइडियल पड़े हुए यूनिट्स हैं वहाँ पे आप आके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, एक इंडस्ट्री में ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर नहीं सकते हैं। तो अगर इसलिए स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री में बांट दिया गया है कि वर्क, तो यही फॉरेन इंडस्ट्री को बोला गया अगर आप अपना स्मॉल बांटना चाहते हैं तो आइए हम आपको स्पेस दे रहे हैं, आप काम करिए कुछ दिनों के लिए, ये बताया गया। और देखिए एक एनालिस्ट के अकॉर्डिंग बताया गया जो ग्लोबल कंपनीज है जो चाइना से बाहर निकलना चाह रही हैं उनको काफ़ी हेल्प होगा ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके जो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। विप्रो जो विप्रो का एक यूनिट है उसको हॉस्पिटल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। विप्रो ने बताया कि जो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस है पुणे में उसको 450 बेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में, और वो हैंड ओवर कर देगा गवर्नमेंट को 30 मई तक, 30 मई, और ये 1 साल तक गवर्नमेंट यूज़ करेगा एज हॉस्पिटल और 1 साल बाद रिटर्न कर देगा, ताकि अभी उसने स्टार्ट किया ताकि वो COVID-19 को हेल्प करने में फाइट करने में हेल्प कर सके। अशोक लेलैंड डेवलप्स लो कॉस्ट वेंटिलेटर। अशोक लेलैंड ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप किया और इसका प्रोडक्शन जून 2020 से स्टार्ट कर सकता है, जो जल्दी जल्दी लो काफ़ी लो कॉस्ट है, जैसे हम लोग को वेंटिलेटर्स की कमी पड़ रही है COVID-19 के इतने केसेस बढ़ते केसेस की वजह से, तो इस वजह से उन्होंने बनाया, लो कॉस्ट है काफ़ी। एनएफ स्टॉक टू मीट डिमांड सेज हुंडई। जो हुंडई ने बताया कि उनके पास काफ़ी स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो कस्टमर की डिमांड को मीट कर देगा, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो कस्टमर आराम से व्हीकल्स खरीद सकती है। 20,000 बुकिंग्स में बुकर्स आर लुकिंग इमिडिएट डिलीवरी। जो 20,000 बुकर्स हैं वो इमिडिएट डिलीवरी चाहते हैं, तो वही बताया कंपनी ने जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सबको डिलीवरी मिल जाएगी। ये हमारा लास्ट पेज है स्पोर्ट्स का, तो यहाँ देख सकते हैं रोनाल्डो एंड हिज फैमिली हैव फ्लोन बैक टू इटली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इन नेटिव पुर्तगाल एंड विल स्पेंड 2 वीक्स इन क्वारंटाइन। तो देख सकते हैं इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी इनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और फिर भी ये खुशी खुशी रह रहे हैं, और इंडिया में क्या है लोग क्वारंटाइन को एक सज़ा मान रहे हैं, तो कुछ देख के सीखना चाहिए। विल एक्सप्लेन अबाउट रिस्टार्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो उसने बोला कि हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अवार्ड। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशन लेना चालू कर दिया है, जैसे राजीव गांधी खेल अवार्ड के लिए, अर्जुना अवार्ड के लिए,
ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो हमारे कोचिंग के लिए मिलता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड जो प्रमोट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, जीनियस आर दोज, ठीक है, वो हु ही टारगेट अदर्स कैन नॉट एवन सी। जीनियस वो होते हैं जो उस टारगेट को हिट करते हैं जो दूसरे देख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी उस टारगेट को हिट करना है जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हिट करने का। इतना अच्छा नंबर स्कोर करना है ताकि एग्ज़ाम और हर चीज़ क्लियर हो। ये द हिंदू एनालिसिस बस एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सबके लिए काम आता है, क्योंकि एक आपको डे टू डे लाइफ से रूबरू कराता है क्या चल रहा है आपके, अगर न्यूज़ नहीं देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।